ठेकेदार गोपाल प्रजापत और कॉन्ट्रैक्टर जी के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इस चैनल पर आप पहली बार पधारे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। घर निर्माण से संबंधित आपको सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे टॉप 10 ब्लॉक्स जो 2023 के साल में काफ़ी पॉपुलर रहने वाले हैं। अगर आप भी ब्लॉक बिठाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको ब्लॉक्स के डिजाइन, कलर और थिकनेस। वैसे तो आज मार्केट में 200 से भी ज़्यादा प्रकार के ब्लॉक्स के कलर, डिजाइन और शेप मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा टॉप 10 ब्लॉक्स जो 2023 की साल में और 22 में ये खूब पॉपुलर रहने वाले हैं। दोस्तों, ज़्यादातर ब्लॉक्स के कलर रेड, येलो, ब्लैक एंड ग्रे कलर में ही मिलते हैं। यह जो आप ब्लॉक देख रहे हैं इसको हम नंबर दे रहे हैं 10, और इसको जिक जिक या यूनी पेवर भी बोलते हैं, और ये ऐसे दिखाई देते हैं। यह ब्लॉक आपको 60, 80 एंड 100 mm की थिकनेस में मिल जाते हैं। ब्लॉक डिजाइन नंबर 9, यह जो आप ब्लॉक देख रहे हैं इसको हम कोलोराडो या मिलोना ब्लॉक के नाम से जानते हैं। यह ब्लॉक भी आपको 16 एंड 18 mm की थिकनेस में मिल जाते हैं। और अगर मैं कलर की बात करूं तो यह भी आपको येलो, वाइट एंड ब्लैक कलर में आसानी से मिल जाते हैं, और यह बिछाने के बाद ऐसे दिखाई देते हैं। यह है हमारा ब्लॉक नंबर 8, इसका नाम है मिरर ब्लॉक, और कई लोग इसको लोटा ब्लॉक भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप जो है वो लोटे के जैसी है। यह ब्लॉक भी आपको 16 एंड 18 mm की थिकनेस में मिल जाएंगे, और कलर में ये रेड, वाइट, येलो एंड ग्रे कलर में आसानी से मिल जाते हैं। यह जो ब्लॉक आप देख रहे हैं यह ब्लॉक नंबर 7 है, इनको ब्रिक पेवर कहा जाता है, और इनको बिछाने के बाद ये ऐसे दिखाई देते हैं। इनको बिछाने पर ये ऐसे लगते हैं जैसे रंग बिरंगी ईंटें बिछाई गई हो। ये ब्लॉक भी आपको सभी प्रकार के कलर और सभी प्रकार के थिकनेस में अवेलेबल हो जाते हैं। यह है ब्लॉक नंबर 6, और इनका नाम है राउंड डंबल। देसी लैंग्वेज में हम इसको डमरू भी कहते हैं, क्योंकि इसका शेप डमरू के जैसा ही है। यह ब्लॉक आपको 4 प्रकार के कलर और 60 और 80 mm के थिकनेस में मिल जाते हैं। ये लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, और इसमें और भी कई प्रकार की डिजाइनें आप बनवा सकते हैं। अब हम देखते हैं ब्लॉक डिजाइन नंबर 5, जिसको देखते ही पता चलता है कि इसको स्क्वेयर या चौरस पेवर कहा जाता है। यह ब्लॉक आपको 5 कलर में मिल जाते हैं, और 16 एंड 18 mm की थिकनेस में आपको ये मिल जाते हैं। इसमें 6 प्रकार की और भी डिजाइनें बनाई जा सकती है। यह है हमारा ब्लॉक नंबर 4, और इसका नाम है हेरिटेक्स ग्रु। यह ब्लॉक बहुत ही पॉपुलर है, इनको आपने फुटपाथ एंड सोसाइटीज़ की गलियों में ज़रूर देखा होगा। यह ब्लॉक आपको मेट और पॉलिश दोनों में मिल जाते हैं। यह आपको ज़्यादातर लाल और ग्रे कलर में ही मिलते हैं, और 60 और 80 mm की थिकनेस में मिल जाते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। ये है हमारा ब्लॉक नंबर 3, जिसको हम आई शेप ब्लॉक कहते हैं। यह ब्लॉक भी आपको 60 और 80 mm की थिकनेस में मिल जाते हैं, और ये लगने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। और अगर मैं कलर की बात करूं तो इसमें रेड, ग्रे, येलो, वाइट एंड ब्लैक कलर में आसानी से मिल जाते हैं। यह है हमारा ब्लॉक नंबर 2, इसका नाम है ग्रास ब्लॉक। अगर आप अपने गार्डन में या घर के फुटपाथ पर लगाना चाहते हैं तो आप इनको लगवा सकते हैं, क्योंकि
इनमें ग्रास और ब्लॉक दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसे ब्लॉक्स को आप होटल, स्कूल, हॉस्पिटल के पार्किंग में लगवा सकते हैं। ऐसे ब्लॉक आपको सिर्फ 60 mm में ही मिलते हैं और रेसिडेंटल बिल्डिंगों में ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यह है ब्लॉक नंबर 1, जिसको हम बर्फी या काजू कतरी कहते हैं। यह ब्लॉक बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं क्योंकि ये ब्लॉक्स आपको 3D इफ़ेक्ट्स देते हैं और ये ब्लॉक्स भी आपको 60 mm में ही मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कलर की तो यह आपको 5 से 7 कलर में मिल जाते हैं। पेवर ब्लॉक या इंटरलॉक ब्लॉक के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अथवा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.contractorji.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।